केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन के बजट को कम करने के लिए उठाया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। पहली रैली भर्ती 90 दिनों में होगी। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।